है जो हमारा डिपार्टमेंट टबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर कोशिशें करता है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एंड अदर जो जी हमारे को डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मदद से आप लोगों की मदद से बहुत हद में ये फ़र्क आया है। बहुत हद तक अगर देखा जाए कि अब आप ओपन प्लेस पे कोई नहीं देखोगे, स्कूल के इर्द गिर्द कोई नहीं देखोगे, हालत इंस्टीट्यूशंस के करीब कोई नहीं देखोगे, क्योंकि हमने जुर्माने भी किए। इस साल हमने कुछ 1.5 लाख से ऊपर जुर्माना किया, जो भी हमें लगा कि हालत इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक या कहीं पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करता है। इसके बगैर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसको बेसिकली तो ये पब्लिक का ही इशू है। अगर देखा जाए कोई वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हमारा काम है कहना, हमारा काम है एक्शन भी लेना, लेकिन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको ना करें। इनफैक्ट पब्लिक के अपने घर में भी नहीं, अब आप अगर देखेंगे घर में अगर कोई बड़ा पिएगा तो पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस दैन एक्टिव स्मोकिंग। उसका साथ में बच्चा बैठा है, उसकी बूढ़ी माँ बैठी है, वो तो इनहेल करते जा रहे हैं, वो तो पीते जा रहे हैं, और वो पैसिव स्मोकिंग जो पूरा लंग तक जाती है वो अनकॉन्शियस लेती है, उसको ये एक्टिव नहीं लेती। उस पर भी घरों में भी ये करें। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो वायरल इन्फेक्शन आम होते हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियाँ हैं डिपार्टमेंट की? देखिए, पहले हम ये इस प्रोग्राम पे बात करेंगे कि आज के जो मेहमान खसूसी वो भी आने वाले हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर भी आने वाले हैं। हमारा ये दिन भर का प्रोग्राम चलेगा, आपके साथ बात होगी, और स्मोकिंग जो विच इज़ द गेट वे फॉर ऑल द एडिक्शन, अगर इस पर हमने रुकावट करी तो बाकी जो आजकल एक वबा बन गया, मैनेज बन गया है। आप देखिए, घर घर की बात है, एक घर की बात नहीं, आपके और मेरे घर की बात नहीं, एक मोहल्ले और दूसरे मोहल्ले की बात नहीं, इवन एक स्टेट और दूसरे स्टेट की बात नहीं, अब ये घर घर की कहानी बन गई। हमने आज नहीं सोचा तो कभी नहीं सोचेंगे। हमने आज इसका निप द एवल इन द बड, अगर पहले ही हमने कुछ इस पर किया तब आज तो, हालांकि थोड़ा अगर देखा जाए कि ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। एक डेथ भी अगर ड्रग एडिक्शन से होगी तो दैट मीन्स एन एपिडेमिक, दैट मीन्स ए पैंडेमिक। अगर वो लग रहा है कि हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए, हमने लास्ट टाइम एक स्टडी करी थी इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड आवर साइकेट्रिक डिजीज़ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, तो वहाँ हमने देखा आउट ऑफ 70,000 50,000 लोग आईवी ड्रग्स ले रहे थे, और इनमें जब हमने हिस्ट्री ले ली तो हर एक स्मोकर था, चाहे वो 10 साल का बच्चा था, चाहे वो 70 साल का बूढ़ा था, हर एक स्मोकर था। इसलिए अगर हम स्मोकिंग को रोकेंगे इससे हम बड़े नशे भी रोक सकते हैं। मेरी लोगों को यही गुजारिश रहेगी, इसमें गवर्नमेंट का साथ है। हालांकि हमने ATF सेंटर्स, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखी है, हमारे डॉक्टर्स, हमारी हेल्पलाइन हर एक जगह है। गवर्नमेंट तो ये सारा कुछ कर रही है, अब लोगों का फ़र्ज़ है कि वो पहले स्मोकिंग को रोके, और इसके साथ साथ भी जो उसके साथ बड़े ड्रग हैं वो भी खुद ही रुक जाए।